आज किसका आखिरी दिन है? मालूम नहीं। तो फिर यहाँ क्या करने आया है? बस इतना पता है वो आदमी यहाँ आने वाला है। तो हमें पता कैसे चलेगा कि किसे मारना है? बॉस ने बोला है वो अभी थोड़ी देर में फोटो भेजेंगे। पहले क्यों नहीं दी? ट्रिक है ब्रो, अगर वो फोटो हमें पहले दे दी, अगर वो हमारे जानने वाला निकला या हमसे पावरफुल हुआ तो हमारी फटेगी ना, इसलिए ऑन द स्पॉट फोटो, इन द स्पॉट द एंड। मतलब तू बिना इंसानों को देखे सुपारी ले लेता है? हाँ, अगर मना किया तो तू बॉस को जानता नहीं है। सही है बेटा, बिना किसी को जाने मारना भी। ले गई ले गई, हिंदी है क्या? हाँ ले गई ले गई, मुझको हुई ना खबर, चोरी चोरी छुप छुप कर। आपको कहाँ जाना है? मैं छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं, मैं चली जाऊँगी, यहीं पास में ही है मेरा घर। अरे तो क्या हुआ, मैं भी उसी साइड जा रहा हूँ, मैं आपको छोड़ दूंगा। प्यार की पहली पहली इस आँख में चोली में है। सुनिए। हाँ? आपकी बातों से तो आप अच्छे इंसान लगते हैं, पर आपके हाथों से ऐसा लग रहा है कि आप काफी भारी बोझ उठाते हैं। ओ, लोगों को उठाता हूँ ना जी? मतलब लोगों का बोझ उठाता हूँ? आप काफी नेक इंसान लगते हैं। काश आप देख पाते। हाँ, आप जैसे इंसान को कौन नहीं देखना चाहेगा जो लोगों की इतनी मदद करता है। चलें। आपका घर? यहीं पास में मंदिर है, बस उसी के पास है, मैं चले जाऊंगी। अरे कोई बात नहीं, मैं छोड़ देता हूँ। ठीक है। एक मिनट। राम आ गया भाई, जल्दी आ। ठीक है मैं आ रहा हूँ। सॉरी, वो मुझे अर्जेंट जाना पड़ेगा। हाँ हाँ कोई बात नहीं, बस ऐसे ही आप लोगों की मदद करते रहना। आपसे दोबारा मुलाकात होगी, बाय। दोबारा मतलब? हेलो, चले गए क्या? कहाँ गया वो भाई? बैठ जल्दी बैठ। प्लीज मुझे छोड़ दो, जो तुम्हें चाहिए वो मिल जाएगा भाई, प्लीज मुझे जाने दो। सच में? हाँ भाई, जो तुम कहोगे वो सब दूंगा। ठीक है, फिर मुझे अपनी जान दे दे। थैंक यू, तुम तो दयावान निकले, जो मैंने मांगा वो तुमने दे दिया। मार दिया? हाँ, थैंक यू तो बोला था पर उसने कोई रिप्लाई नहीं दिया, शायद मर गया होगा। भाई बॉस ने मारने के लिए नहीं बोला था, उससे पैसे लेने के लिए भी बोले थे। अब तो मर गया, पहले बताना चाहिए था ना। अच्छा फोन निकाल। क्या करेगा? मैं निकाल तो। किसको कॉल कर रहा है? कितने पैसे लेने थे? 30 लाख।
हेलो, 40 लाख रुपए लेके पुरानी वाली बिल्डिंग के पीछे मिलो। ओके सुन ली आवाज, 30 मिनट के अंदर 40 लाख रुपए लेके पुरानी वाली बिल्डिंग के पीछे मिलो, वरना उसका काम खत्म। साले है तो तू बड़ी हरामी चीज। चल मैं चलता हूँ, तू पैसे लेकर आ जियो। अरे सुन, बॉस ने तुझे अभी बुलाया है, चल। ये साला बॉस चैन से सांस लेने भी नहीं देता। चलाता हूँ मैं। ठीक है। रुस्तम, पैसे कहाँ हैं? मैं आ गया ना तो पैसे भी आ ही जाएंगे। तेरा ये स्टाइल आई लाइक इट। और तेरे लिए एक और काम है, और पैसे भी डबल। किसको मारना है? सांस तो ले ले मुन्ना, अभी अभी तो शिकार करके आया है। फिर मुझे क्यों बुलाया यहाँ पे? क्योंकि तुझे जब तक देखना लू ना, मेरा दिन अच्छा नहीं जाता है। मजाक कर रहा हूँ। काम बोलो। देख रुस्तम, तुझे जिसे हम मारना है ना, उसकी सुपारी एक बहुत बड़े बिल्डर ने दिया है, तो काम बिल्कुल सफाई से होना चाहिए। उस लड़की का। लड़की को मारना है? हाँ, लड़की को मारना है। मैं किसी लड़की को नहीं मारूंगा। रुस्तम, तुझे पता है ना, मुझे ना सुनने की आदत नहीं है। तो आज से शुरू कर दो ना सुनना। सुन, मैं तो ना सुनने की आदत नहीं डालूंगा, लेकिन तुझे सांस लेने की आदत छोड़नी पड़ सकती है। मतलब तूने बॉस को हाँ बोल दिया? तेरे सामने जिंदा दिख रहा हूं ना, तो समझ जा। मतलब तूने सच में हाँ बोल दिया? अब तू एक लड़की को मारेगा? हाँ, क्योंकि अगर मैं उसे नहीं मारूंगा तो बॉस मुझे मार देगा। और वैसे भी यार, अगर मैंने उसे नहीं मारा तो बॉस किसी और से उसे मरवा देगा। सही बोल रहा है यार, अगर तूने नहीं मारा तो कोई और मार देगा। इससे अच्छा है तू ही मार दे, कम से कम अपनी जान तो बची रहेगी। हाँ अच्छा, चल अब पैसे निकाल। अभी पैसे लेके कहाँ जाना है तुझे? फूल लेने। फूल? वो किस लिए? अबे जिसे मारा है उन पे फूल तो चढ़ा दू, कम से कम कुछ तो पाप कम होगा मेरा। भाई फिर तो सारे पैसे फूल में ही खर्च कर देगा तू। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार जो तुमसे करता है। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार जो तुमसे करता है। पर सामने सॉरी, कोई बात नहीं, मैं ही आपको देख के नहीं चल रहा था। आपकी आवाज सुनी सुनी सी लग रही है। आइए मैं आपको घर छोड़ दूं। आप? लगता है मेरे हाथों ने आपके हाथों से दोस्ती कर ली। आप बातें अच्छी करते हैं। ऐसा नहीं है यार, पर पता नहीं क्यों जब भी मैं आपको देखता हूँ बातें अपने आप ही निकल जाती है। अब ऐसे ही बातें बनाते रहेंगे, मुझे घर भी छोड़ेंगे। हाँ आइए चलिए। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार जो तुमसे करता है। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार जो तुमसे। आपका घर आ गया। शुक्रिया, आप आइए ना अंदर। अरे नहीं नहीं, मैं चलता हूँ। यार आप उस दिन भी ऐसे ही चले गए थे। अब अंदर आइए, मैं आपको अपने हाथ से चाय बना के पिलाऊंगी। आप और चाय? जी अंधी हूँ तो क्या हुआ, चाय अच्छी बना लेती हूँ। चलिए।
चाय बना के लाती हूँ। काफी अच्छा घर है आपका। अच्छा, मैं तो आज तक देख ही नहीं पाई। 14 साल की थी जब एक्सीडेंट में मेरी आंखें चली गई। वैसे तुम अकेली रहती हो? हाँ, अकेली रहती हूँ। पहले भैया साथ रहते थे, मेरे लिए सब कुछ करते थे, मेरी आंखों की रोशनी थे वो। फिर कुछ टाइम पहले उनकी डेथ हो गई। सॉरी, वो मुझे ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए था। कोई बात नहीं, तुम चाय लो ना। ये लो, आराम से। चाय तो सच में बहुत अच्छी बनी है। प्रीत, ये दीवार पे फोटो किसकी लगी है? वही तो है मेरे भैया। पुलिस वाले को मारने का अंजाम नहीं पता तुझे, सीधा एनकाउंटर होगा तेरा। रुस्तम, बॉस ले, तेरी लाइफ का पहला मर्डर है। मार रुस्तम, मार रुस्तम, मार। क्या हुआ, कब कैसे गिर गया? वो हाथ से फिसल गया। कोई बात नहीं, तुम्हें मालूम है मुझे आज भी यकीन नहीं होता कि भैया मेरे साथ नहीं है। क्या बात है भाई, आज अकेले अकेले पार्टी? क्या हो गया भाई, बॉस से कुछ बहस हो गई क्या? तुझे याद है मैंने सबसे पहले किसे मारा था? हाँ, कोई पुलिस वाला था। प्रीत उसी की बहन है जिससे तू आज मिलने गया था। हाँ भाई, उसका भाई उसकी जिंदगी का उजाला था और मैंने वो दीपक भी बुझा दिया। तो क्या हुआ, प्रीत को बताएगा ही कौन कि उसके भाई को तूने मारा है? अगर मैं उसे सच नहीं बताऊंगा तो मैं उसके साथ नहीं रह पाऊंगा। तू मेरा दोस्त है ना, मैंने आज तक तेरे से कभी कुछ नहीं छुपाया, तो मैं उससे कैसे छुपा सकता हूँ? पर वो तुझे कभी माफ़ नहीं करेगी भाई। मुझे पता है वो मुझे कभी माफ़ नहीं करेगी, पर मैं उसकी मदद करना चाहता हूँ। शायद तेरे दिल को शांति मिले। काश वो मेरे से टकराती नहीं तो आज ये सब नहीं होता। पता है, मैंने एक जगह पढ़ा था कि इंसानों को अपने कर्मों की सजा इसी जन्म में मिलती है, जैसे कि मुझे मिली। मैंने एक आदमी को मारा था और फिर उसके आदमियों ने मेरी पूरी फैमिली को मार दिया। और ये तो तेरा पहला पाप है, अभी तो बहुत कुछ आना बाकी है भाई। अपना ख्याल रखियो। चुप चुप क्यों हो? ऐसे ही यार, कुछ पुरानी बातें याद आ गई थी। पुरानी बातें याद करनी है तो कुछ अच्छा याद करो।
मैंने तो कभी कुछ अच्छा किया ही नहीं है यार। तो गलत भी तो जानबूझ के नहीं किया होगा ना प्रीत? हाँ? अगर मैंने कोई गलती जानबूझ के की हो तो क्या हुआ? अब हम उसे बदल तो नहीं सकते, पर हाँ उसके बदले कुछ अच्छा काम करके हम उसका दुख तो कम कर सकते हैं। प्रीत, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। क्या? हाँ प्रीत, मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ। मेरे दिल में जो भी था मैंने बोल दिया। रुस्तम, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। दुआ भी लगे ना मुझे, दवा भी लगे ना मुझे, जब से दिल को मेरे तू लगा है, नींद रातों की मेरी, चाहत बातों की मेरी, चैन को भी मेरे तूने यूं ठगा है, जब सांसें भरूं मैं बंद। लो जी मैडम, आ गया आपका घर। नजर तू आया दिल को करार आया, तुझ पे प्यार आया। हेलो। फोटो और डिटेल्स भेज दिए तुझे लड़की की, और 2 दिन है तेरे पास। जी बॉस। क्या करेगा तू? मैं प्रीत को नहीं मार सकता और ना ही किसी को मारने दूंगा। तू बॉस के खिलाफ जाएगा? मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। तुझे पता है ना जो तू ये कर रहा है, इसके बाद तू जिंदा वापस नहीं लौटेगा। अब तो प्रीत के लिए मुझे अपनी जान भी देनी पड़े तो जान देने में पीछे नहीं हटूंगा। सुन तो। रुस्तम, तुझे तो मारने के लिए 2 दिन चाहिए थे, तू इतनी जल्दी कैसे आ गया? मैं अपना हिस्सा लेने आया हूँ। रुस्तम, तुझे अच्छी तरह पता है जब तक काम नहीं तब तक पैसा नहीं। काम तो मैं करूँगा ही। फिर कौन सा हिस्सा मांग रहा है तू? जिंदगी का हिस्सा। बॉस, जिसे जिंदगी ढूंढ रही है, क्या ये वो मकाम मेरा है? यहाँ चैन से बस रुक जाऊं। सुन। हाँ भाई। मेरे से एक वादा कर। हाँ भाई बोल। अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरी आंखें प्रीत को डोनेट कर दियो। क्या? हाँ भाई, क्योंकि तुझे पता है मैं जिस काम के लिए जा रहा हूँ शायद ही बच पाऊँ। और हाँ, ये डायरी प्रीत को दे दियो। मैं था मुसाफिर राह का तेरी, तुझ तक मेरा था दायरा। मैं भी कभी था रहबर तेरा, खाना बदोश मैं अब ठहरा, खाना बदोश मैं
अब ठहरा। एहसान तेरा मैं मानू तन्हा, मुझे जो किया है, जो प्यार तेरा है खोया, लगता है खुद से मिला मैं।